हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। वेल्थ विदाउट हेल्थ हैज नो वैल्यू, बिना स्वास्थ्य के धन का कोई महत्व नहीं है। इंसान स्वास्थ्य की कीमत पर धन कमाता है, और जब बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है लेकिन स्वास्थ्य चला जाता है तो धन की कीमत पर स्वास्थ्य को पाने का प्रयास करता है लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसा नहीं कर पाता है। ओनली ए हेल्दी पर्सन कैन एंजॉय हिज लाइफ, केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद ले सकता है। आपके पास करोड़ों रुपए है और बीपी के पेशेंट हो गए, हार्ट के पेशेंट हो गए, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, डायबिटीज के पेशेंट हो गए, क्या फायदा है इसी पैसे का? मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, मॉर्निंग वॉक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। इट इज ए नेचुरल टॉनिक, ये एक प्राकृतिक टॉनिक है। इट गिव्स अस वेल्थ ऑफ हेल्थ, ये हमें स्वास्थ्य रूपी धन देता है। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। सोचिए, दो व्यक्ति है, एक बहुत अमीर व्यक्ति है लेकिन बीमार है, तरह तरह की बीमारियां लगी हुई है, एक गरीब व्यक्ति है लेकिन स्वस्थ है, किसकी जगह लेना चाहेंगे आप? आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सुखी होगा? अमीर और बीमार होने से बेहतर है गरीब और स्वस्थ रहना। इट इज गुड फॉर चिल्ड्रन यंग एंड ओल्ड वंस, ये बच्चों के लिए भी अच्छी है तो जवानों के लिए भी अच्छी है तो बूढ़ों के लिए भी अच्छी है। इट इज द बेस्ट एंड द चीपेस्ट एक्सरसाइज, ये सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया कसरत है। इट रिफ्रेशेज आवर माइंड, ये हमारे दिमाग को तरोताजा करती है। ये दिमाग ही है जो सब कुछ जनरेट करता है। अगर ये सही रहेगा तो जिंदगी सही रहेगी, और अगर ये सही नहीं रहेगा तो जिंदगी में कुछ सही नहीं रहेगा। इट रिमूव डलनेस ऑफ अवर लाइफ, ये जीवन की नीरसता को दूर करता है। डलनेस ऑफ लाइफ यानी जीवन की नीरसता। इट मेक्स अवर हार्ट एंड लंग्स स्ट्रॉन्ग, ये हमारे हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाता है। लंग्स यानी फेफड़े। इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन, ये वैज्ञानिक रूप से साबित हो गया है दैट इट रिड्यूसेस आवर स्ट्रेस, ये हमारे तनाव को कम करता है। इन दिस वे इट कंट्रोल्स आवर ब्लड प्रेशर, और इस तरीके से ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तो आप कई परेशानियों से बचे हुए हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्रेन स्ट्रोक, कई तरह की समस्याएं, किडनी फेलियर। वन हु मिसेज इट मिसेज मेनी थिंग्स, वो व्यक्ति जो इसे चूकता है, इससे बचता है, इसको मिस करता है, वो कई चीजों को मिस करता है। वी गेट फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग, सुबह हमें ताजी हवा मिलती है। इट प्योरिफाइज आवर ब्लड, ये हमारे रक्त को शुद्ध करती है, और जब शुद्ध रक्त ब्लड के सभी अंगों में जाएगा तो सारे अंग ढंग से काम करेंगे। वेकिंग अप अर्ली एंड गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, सुबह जल्दी उठना और मॉर्निंग वॉक पर जाना इज एन एक्सीलेंट हैबिट, एक शानदार आदत है फॉर ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण हेल्थ के लिए एंड वेलबींग, हमारे कल्याण के लिए। मॉर्निंग वॉक कैन हेल्प अस स्टार्ट आवर डे विथ ए पॉजिटिव एटीट्यूड, मॉर्निंग वॉक क्या कर सकती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकती है, हमारे दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव एटीट्यूड से कर सकती है। और अगर दिन की शुरुआत पॉजिटिव एटीट्यूड से होगी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। एंड गिव अस स्टोर ऑफ एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी के दिन के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, बिना एनर्जी के काम नहीं होता है। तो एनर्जी का स्टोर हमें प्रदान करती है जिससे कि हम जीवन के रोजमर्रा के कार्यों को संपन्न कर सके। गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक इज एन इजी वे,
मॉर्निंग वॉक पर जाना एक आसान तरीका है टू एड फिजिकल एक्टिविटी, हम अपने जीवन में शारीरिक क्रियाकलाप को जोड़ सके इन आवर डेली रूटीन, हमारे दैनिक रूटीन के अंदर। वॉकिंग कैन हेल्प टू रिड्यूस रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, कई तरीके के कैंसर से बचने में हमारी मदद कर सकता है मॉर्निंग वॉक। ए मॉर्निंग वॉकर कैन एंजॉय ब्यूटी ऑफ नेचर इन द मॉर्निंग, सुबह के जो प्राकृतिक दृश्य है उसको केवल मॉर्निंग वॉकर ही एंजॉय कर सकता है, सोने वाला व्यक्ति एंजॉय नहीं कर सकता है। चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स इज वेरी सूदिंग फॉर द माइंड, सुबह सुबह पक्षियों का चहचहाना दिमाग को कितना शांति मिलती है। देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है, सेइंग यानी कहावत, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, एक इंसान को हेल्दी भी बनाता है, वेल्दी भी बनाता है और वाइज भी बनाता है।